नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधु अनुकृति गुसाई को मिली हार के बाद हरक सिंह रावत पर जुबानी हमले तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में लैंसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत ने हरक सिंह रावत पर जमकर जुबानी हमला बोला है। दिलीप सिंह ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हरक सिंह रावत पर तंज कसते हुए कहा कि हरक सिंह रावत अब तक लहर में चुनाव लड़ रहे थे जिसमें उन्हें जीत भी मिली, लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनाव में विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ने के बाद हरक सिंह रावत की हकीकत सामने आ गई है। वह कितने बड़े नेता हैं, इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन्हें शेर ए गढ़वाल कहते थे, लेकिन जनता ने बता दिया कि वह शेर नहीं बल्कि सियार हैं। सुनिए दिलीप सिंह रावत ने और क्या क्या कहा। देखिए, उन्होंने केवल अभी तक लहर के साथ चुनाव लड़ा, लहर का प्रयोग करके ही चुनाव जीते हैं वो, और कभी विपरीत परिस्थितियों में नहीं लड़े। पहली बार विपरीत परिस्थितियों में आए तो उनकी वास्तविकता पता चल गई है, और खाली एक मीडिया मैनेज करके अपने को तथा कथित भोबड़ा मैनेजर, चुनाव का मैनेजर वो साबित करते थे, लेकिन अब की बार पता चल गया है कि उनकी अपनी वास्तविकता क्या है। और अब सब लोग उनसे परहेज भी करेंगे राजनीति में, क्योंकि जिस तरह से एक राजनीति में ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण और चरित्र विशेष महत्व रखता है, अब लोग ये जानने लगे हैं कि जो इनके विपरीत जाते हैं लोग, जिनके पास इस चीज़ की धरोहर नहीं है, उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे लोग। सर, जो अपने आप को वो शेरे गढ़वाल कहते थे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग जरूर शेरे गढ़वाल कहते थे, वो प्रचारित किया हुआ था, लेकिन मेरी जनता ने ये बता दिया कि वो शेरे गढ़वाल नहीं, वो रंगे हुए शेर थे, और जनता ने जो वोट के रूप में जो पानी डाला उसे पता चल गया कि वास्तविक रूप में वो सियार है। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ मिली जीत के बाद भाजपा नेता कांग्रेसियों पर जुबानी हमले करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में लैंसडाउन सीट पर बीजेपी उम्मीदवार दिलीप सिंह रावत ने जीत दर्ज की है। यह दिलीप सिंह रावत की लगातार तीसरी जीत है। उन्होंने हरक सिंह रावत की बहू और कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गुसाई को 9,868 वोटों के अंतर से हराया है। इसके अलावा दिलीप सिंह रावत का नाम उस रेस में भी शामिल है जिन्हें सरकार बनने पर बतौर कैबिनेट मंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। दिलीप सिंह रावत के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड तक को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।